యిర్మీయాహ భవిష్యవక్తకి పుస్తక్ అధ్యాయ 41. యిర్మీయాహ భవిష్యవక్తకి పుస్తక్ అధ్యాయ 41. और सातवें महीने में ऐसा हुआ कि इश्माएल जो नतन्याह का पुत्र और एलिशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, सो 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहिकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहां मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया। तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल और उसके संग के 10 जनों ने उठकर गदल्याह को, जो अहिकाम का पुत्र और शापकन का पोता था और जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। और इश्माएल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कश्ती योद्धा वहां मिले, उन सबों को मार डाला। गदल्याह के मार डालने के दूसरे दिन जब कोई इसे न जानता था, तब शकेम और शिलो और शोमरोन के 80 पुरुष दाढ़ी मुंडाए वस्त्र फाड़े और शरीर चिरे हुए और हाथों में अन्नबलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला, तब कहा कि अहिकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस नगर में आए, तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। परंतु उनमें से 10 मनुष्य इश्माएल से कहने लगे, हमको न मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहूं, जव, तेल और मधु है। सो उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा। जिस गड्ढे में इश्माएल ने उन लोगों की सब लोथे जिन्हें उसने मारा था गदल्याह की लोथ के पास फेंक दी थी। यह वही गड्ढा है जिसे आसा राजा ने इसराइल के राजा बाशा के डर के मारे खुदवाया था। उसको नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मारे हो से भर दिया। तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे, अर्थात राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे, जिन्हें जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने अहिकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सबों को नतन्याह का पुत्र इश्माएल बंधुआ करके अम्मोनी के पास ले जाने को चला। जब कारेह के पुत्र योहानान ने और योद्धा के दलों के उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे सुना कि नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले और उनको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कारेह के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। और जितने लोगों को इश्माएल मिस्पा से बंधुआ करके लिया जाता था, वे पलटकर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले आए। परंतु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 8 पुरुष समेत योहानान के हाथ से बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों को कारेह का पुत्र योहानान अहिकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल के पास से छुड़ाकर गिबोन से फेर ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया। और बेतलहेम के निकट जो किम्माह की सराय है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाए, क्योंकि वे कश्तियों से डरते थे। इसका कारण यह था कि अहिकाम का पुत्र गदल्याह, जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मार डाला था।